राजस्थान पटवार प्रतियोगिता परीक्षा की सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। तो दोस्तों अब दोस्तों राजस्थान के पटवार भर्ती परीक्षा के सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आपके अगले महीने से इस भर्ती प्रतियोगिता के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और अब आपका एक ही पेपर होगा। क्या इसका पैटर्न है, सारी अपडेट मैं आपको इस चैनल में देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो एम रखा गया है वो 1000 प्लस लाइक का रखा गया है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप के 4 ग्रुप दिए हैं, अगर कोई ग्रुप इसमें से फुल हो गया है तो आप अदर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और इन ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये टेलीग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, उसके अंदर दोस्तों लगभग 400 अभ्यर्थी ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आपने उस टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट मिल सकेगी और आपने अपने जितने भी फ्रेंड है उनके साथ इस भर्ती प्रतियोगिता से संबंधित चर्चा भी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर 4 लिंक है, किसी एक ग्रुप में ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम अकाउंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगामी आने वाली पटवा भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के अलावा ग्राम सेवक प्रतियोगिता परीक्षा, रेड प्रतियोगिता परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, राजस्थान की जितनी भी अपडेट मिलती है RSMSB बोर्ड और RPSC बोर्ड की सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में मैंने इस घंटे के चिन्ह पर भी आप जरूर क्लिक करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन माध्यम से मिल सकेगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हुए ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों ये आज ही की अपडेट है जहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बताया गया है कि 2 प्रश्न पत्र की जगह हो सकती है 1 ही प्रश्न पत्र से परीक्षा। पहली बार नए पैटर्न से होगी पटवार भर्ती परीक्षा। कंप्यूटर के विषय को शामिल करने की तैयारी है। कंप्यूटर विषय तो दोस्तों पहले भी यहाँ पर आपने देखा है पिछली भर्ती परीक्षा में, लेकिन इस बार भी यहाँ पर कंप्यूटर के यहाँ पर साथ में शामिल है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रदेश में पहली बार पटवार भर्ती परीक्षा की नई पैटर्न होगी, इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने तक पटवार के 3835 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। इस साल जारी होने वाली विज्ञप्ति में 2 प्रश्न पत्र के स्थान पर 1 ही प्रश्न पत्र का फॉर्मूला वे कंप्यूटर के प्रश्नों को ज़्यादा वेटेज देने सहित अन्य बदलाव नजर आएंगे। इसके लिए सरकार ने एक्सपर्ट के साथ चर्चा शुरू कर दी है। विधानसभा सत्र के बाद संभावित भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का ऐलान होगा। प्रदेश के 7 लाख से अधिक बेरोजगार इसका इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 12,252 पद यहाँ पर सर्जित थे, पटवार के प्रदेश में लगभग 12,200 पद सर्जित है, इनमें से 3535 पद रिक्त है। पिछली सरकार के समय भी पटवार भर्ती परीक्षा के आवेदन मांगे गए थे लेकिन आचार संहिता कई दिक्कतों के कारण पूछी नहीं गई थी। यहाँ पर 1800 पद आपको 2000 पद देखने को मिले थे, लेकिन अब पटवार के पदों का काफ़ी संख्या रिक्त होने के कारण जनता काफ़ी परेशान हुई है। पिछले दिनों में CM ने यहाँ पर भर्ती का ऐलान किया था। विधानसभा में सत्र बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री पिछली भर्ती में सामान्य पदों के साथ नए पदों को सर्जित करने की बात की थी। सरकार चल रही है एजेंसी, तो यहां पर दोस्तों आगे अपडेट बताया गया है कि पटवार भर्ती को लेकर सरकार कोई नए निश्चित एजेंसी का निर्धारण नहीं कर रही है। ऐसे राजस्व मंडल की ओर से भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी। यानी कि इस बार भी RSMSB बोर्ड आप इसकी भर्ती कराने वाली है जो कि अब RSBC बोर्ड के नाम से जानी जाती है। अब तक ये सिलेबस दोस्तों पुराने पैटर्न के हिसाब से पटवार भर्ती परीक्षा 600 अंकों की होगी और पुराने पैटर्न के हिसाब से गणित, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर दोस्तों एक्सपर्ट का व्यू बता दूँ, 1 प्रश्न पत्र पर सरकार की कवायद है। यहाँ पर बताया है बदौर तौर पर पटवारियों की भी ग्रास रूट से लेकर ऑफिस के कामकाज में काफ़ी चुनौती, ऐसे में सरकार द्वारा हाईटेक पटवारियों की भर्ती कराना चाहती है। इसके लिए पहले जहां 2 प्रश्न पत्र थे अब वहां 1 प्रश्न पत्र के जरिए भर्ती कराने की दिशा में सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा भर्ती के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा को शामिल करने की स्थिति में पटवारियों की प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि को देखा जाएगा। तो दोस्तों यही थी अपडेट। अब दोस्तों इंतजार है तो बस रिक्रूटमेंट जारी होने का, जैसे ही इसकी विज्ञप्ति जारी होती है सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो घंटे के चिन्ह पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगी क्योंकि यह आपके राजस्थान का ही यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, बाय।